हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने आपको पिछला ब्लॉग दिखाया था जो कि NH-53 को क्रॉसिंग करता हुआ स्टील ब्रिज बनाया जा रहा था, उस पर आप सभी ने मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट किए, काफ़ी अच्छा प्यार दिया। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आया हूँ मिंगदुला रिवर के ऊपर, ब्रिज बन चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। हालांकि मैं आया था आज से लगभग 10 महीने पहले, उस वक्त यहाँ पर खाली पेड़ भर का काम कम्प्लीट था। अभी देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा वाइड एक कम्प्लीट नजर आ रहा है, और इसके लगभग दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर मिंगदुला रिवर, जिसके ऊपर इसका ब्रिज पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है, उसी का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस ब्रिज की लंबाई की बात करूँ तो 280 मीटर लंबा ब्रिज है, और ये फिलहाल उसके ऊपर पूरा का पूरा इसका सेगमेंट गार्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, आप सामने देख पा रहे होंगे मिंगदुला रिवर है, इस टाइम उसमें पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल बनाए हो ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जी मैं आपको बता दूँ, पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे खाली पेयर वर्क कम्प्लीट थे, और मैंने इस पिलर के ऊपर भी बन के वीडियो शूट की थी। कुछ क्लिप्स डाल दूंगा पुराने वाली, आपको वीडियो में पता चल जाएंगे। इस पिलर से खड़े होकर मैंने आपको इधर का नज़ारा दिखाया था जब यहाँ पर खाली पेयर वर्क के काम कम्प्लीट था, और यहाँ पर उस वक्त यहाँ तक के पेयर कम्प्लीट थे, इसके आगे पूरे के पूरे पेयर बाकी थे। और फाइनली अभी देखेंगे ना, पूरा का पूरा वाइट एक्टली कम्प्लीट हो चुका है। और मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप हमें पूरा का पूरा पिलरों का काम दिखाते हो, ब्रिज का काम दिखाते हो, लेकिन ये नहीं बताते हो कि जो बीच में जो पिलर के जोड़ होते हैं वो कैसे भरे जाते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देख रहे होंगे ना, दो पिलर की दूरी है आपस में मिलते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर जॉइंट भरना बाकी है। इसमें मालूम है इसको पूरा भी पैक किया जाएगा यहाँ से, और इसकी बाजू में इसके आप ग्रिल लगाना बाकी है। ग्रिल का काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगाना बाकी है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल लगने बाकी हैं, और इसके ऊपर टोटल 2 ट्रैक बनाए जाएंगे। मैं आपको गाइस बता दूं, एक आने का और एक जाने का, यहाँ पर टोटल 2 ट्रैक बनाए जाएंगे। और इसकी दूरी की बात करें तो 508 मीटर लंबी दूरी है मुंबई और अहमदाबाद के बीच की, और इसमें 320 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी, और मात्र 2 घंटे से भी कम का समय लगने वाला है मुंबई से अहमदाबाद पहुँचने में। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा इसके आगे सचिन है, और यहाँ से लगभग नवसारी की दूरी है 20 किलोमीटर की दूरी नवसारी की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, और मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर खास करके चारों तरफ यहाँ पर चिमनी आपको देखने को मिलेंगी, इधर भी और इस तरफ पूरे यहाँ पे ईंट बनाई जाती है ना इसके लिए। तो फाइनली मैं चलूँगा सीधा अभी जहाँ पर मिंगदुला रिवर के ऊपर इसका काम है ना, किस प्रकार से यहाँ पर बनाए गए हैं। उसमें टोटल 7 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स, एक पेयर की दूरी की बात करें तो 40 मीटर होती है, और टोटल 280 मीटर लंबा है ब्रिज है। तो यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, और पिछली बार जब आया था तो कुछ पुराने क्लिप्स डाल दूंगा ना, तो आपको उससे पता चल जाएगा वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप इधर से देख सकते हैं, यहाँ पर खाली आपको उस वक्त पिलर से पिलर यानी पेयर दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। और पैकेज नंबर की बात करूँ तो दोस्तों 250 पैकेज नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, और जाते हैं वापस इधर जा रहे हैं मुंबई की तरफ, यानी कि नवसारी की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी। दोस्तों मैं कुछ दिन पहले आनंद गया था, मैंने आनंद की वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर मेरे पास कमेंट आए थे कि आप ये तैयार काम दिखाते हो, कुछ नया दिखाओ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आप सभी की जैसे कमेंट आते हैं मैं वैसी वीडियो आपको बना के दिखाता हूं। मैं कोशिश करता हूं आपको नया नया दिखाने का, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर संडे को वीडियो शूट करने के लिए आते हैं, हमें खाली संडे का ही दिन मिल पाता है, एक संडे में हम लोग वीडियो शूट करते हैं जो भी कवर किया जाता है जितना, और हम कोशिश करते हैं आपको नया नया दिखाने की हमेशा। तो फाइनली ये बुलेट ट्रेन का जो काम है, हमारे भारत का कोई छोटा मोटा काम नहीं है, देश का सबसे बड़ा नेशनल हाई स्पीड रेल का काम चल रहा है दोस्तों, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चला जाएगा, तो आप सभी को मालूम है। इसके बाद में जो दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में बहुत जल्दी और दिल्ली और बनारस का भी काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, वो भी आपको नया नया हम आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ आप देखेंगे फाइनली चारों तरफ यहाँ पर चिमनी आपको देखने को मिल पा रही होंगी, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा वायडक्ट कम्प्लीट है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 40 मीटर वाला एक ही इस पर हम यहाँ पर रखा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकी जगह जगह पर आप पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर 1.5 मीटर वाला भी आपने सेगमेंट देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर पूरा सिंगल रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर कास्टिंग यार्ड जो है इसका नज़दीक है। और ये हमें ये नहीं मालूम है किस वजह से यहाँ पर छोटे और बड़े यहाँ पर रखे जाते हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आप खाली जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बीच में ग्लू भरा जाता है, ग्लू के जरिए इसको चिपकाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर दी जाती है। तो फाइनली अब बैक कैमरे से दिखाता हूँ जो कि मिंगदुला नदी के ऊपर कितना इस टाइम पानी है और किस प्रकार से वहाँ पर ब्रिज कम्प्लीट है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ना, बुलेट ट्रेन के टोटल अभी तक जो नदी के ऊपर बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर 4 ब्रिज बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। हालाँकि छोटे मोटे जो नाले हैं ऐसे तो कई सारे ब्रिज कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रिज हैं 4 ब्रिज टोटल बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। पहला ब्रिज इसका था जो मैंने आपको दिखाया था, पार रिवर जो कि है वलसाड़ के पास, और दूसरा ब्रिज इसका मैंने आपको दिखाया जो कि है अंबिका नदी, और उसके बाद में जो है पूर्णा रिवर जो कि है नवसारी के पास, और चौथा ब्रिज यहाँ पर ये बन के कम्प्लीट हुआ है जो कि है मिंगदुला रिवर। और बाकी नदियों पर काम चालू है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो है 2 ब्रिज हैं सबसे बड़े, मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने आपको दिखाया था माही रिवर जो कि बड़ोदरा के पास है, और दूसरा पहला सबसे समय लगने वाला 1200 मीटर लंबा सबसे
बड़ा ब्रिज जो कि है नर्मदा नदी पर दोस्तों, और तीसरा ब्रिज है इसका ये अपना ताप्ती नदी। तो इन नदियों में सबसे ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इनमें सबसे लंबे ब्रिज बनाए जा रहे हैं और काफ़ी चुनौतियों पूर्वक ये ब्रिज हैं। और हालांकि ये तो सारे ब्रिज कंप्लीट हो चुके हैं, इधर भी लॉन्चिंग वगैरह पूरा का पूरा ऑलरेडी काम कम्प्लीट है, इस पर पेंट किया जा सकता है, पेंट किया जा चुका है। और इसके ऊपर अभी जो काम की बात करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल लगाए जाएंगे ना बिजलियों की, बिजली का काम ऊपर का बाकी है, और उसके बाद में रेलिंग का काम चालू है, अभी रेलिंग लगाई जाने बाकी है, और पटरियों का काम बाकी है। पटरियां मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसका जो पटरियों का जो मटेरियल है ना दोस्तों वो ओनली फॉर जापान से आएगा। आम पटरियों पर ये बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ने वाली है क्योंकि 320 किलोमीटर की स्पीड से जब ये बुलेट ट्रेन दौड़ेगी ना तो आम पटरियों पर दोस्तों बुलेट ट्रेन नहीं चलने वाली है। और फाइनली जो इसका व्यू काफ़ी सुंदर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिमनी वगैरह हैं चारों तरफ, और हम लोग जैसे वीडियो शूट करते हैं लगभग 300 मीटर दूर हम लोग चल के आ चुके हैं। और अभी सामने आप देखेंगे ना ये मेंदोला रिवर है, और इसके बीच में टोटल 7 पिलर बनाए गए हैं, और नदी के अंदर गोल पिलर बनाए जाते हैं और बाकी जगह पर चौरस पिलर बनाए जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं। ये भी आपको मैं दिखाऊँगा अभी आगे जाके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वायडक्ट है उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा नीचे की जगह पर था, और यहाँ से धीरे धीरे इसकी जो ऊंचाई है काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी है क्योंकि आगे ब्रिज है ना इसकी वजह से। यहाँ पर आप देखेंगे सामने, और सीधा मुंबई के लिए जा रहा है, यहाँ से 320 किलोमीटर की स्पीड से जब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तो पता ही नहीं चलेगा कब आई और कब निकल गई इस स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली दोस्तों ये। और सामने इस तरफ आप देखेंगे ना तो दोस्तों पानी का बहाव इतनी तेज़ है, मतलब पानी यहाँ तक ऊपर तक आ चुका है आप देखेंगे यहाँ पर, और अभी हम जाएंगे उसके पार तक बिल्कुल, वहाँ से आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं घूम के आऊँगा, फिर आपको दूर से भी यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ से किस प्रकार का व्यू पॉइंट दिखने वाला है दोस्तों इसका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पाइप से देखें यहाँ होकर रास्ता बनाया हुआ है इनका, क्योंकि ये सीढ़ियाँ थी इनके ऊपर होकर ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ा जाता था, इसलिए रास्ते यहाँ पर बनाए हुए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट हमें देखने में यहाँ पर लग रहा है, और ये बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन का सपना सभी का पूरा होगा, और ये फाइनली 2027 में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो इसका वर्क है ना काम पूरा, ये 2026 तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, बाकी एक साल तो इसके पूरे ट्रायल में निकल जाएंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूँ पूरा ट्रायल किया जाएगा इसका, और जो सबसे ज़्यादा समय लगता है ना वो ब्रिजों में लगता है, ब्रिजों की वजह से खास करके लेट हो जाते हैं। और दोस्तों जो महाराष्ट्र में इसका काम काफ़ी ज़्यादा स्लो लेट स्टार्ट हुआ है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप सभी को मालूम है दोस्तों महाराष्ट्र में जो काम स्लो होने का रीज़न है वो है वहाँ की सरकार, सरकार चेंज होने की वजह से, ज़मीन ना मिलने की वजह से वहाँ पर काफ़ी समय इसका लेट हुआ काम, और फाइनली वहाँ पर अभी काम जोरों शोरों में चल रहा है हालाँकि। और मैं कुछ समय बाद जाऊँगा आपको महाराष्ट्र का भी अपडेट आपको दिखाऊँगा बुलेट ट्रेन का। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पानी है ना कहाँ तक पानी भर के आ रहा है पूरा, पिछली बार जब आए थे ना तो यहाँ तक पूरा पानी था लेकिन वहाँ तक था नदी के पास। ये देख रहे हैं ना ये नदी का पानी नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर खेत हैं, ये सीधा खेत के अंदर पानी आ चुका है, नदी की मीनार तो आगे है, और नदी के ये उनकी बाउंड्रियाँ हैं ना जो नदी के किनारे किनारों के ऊपर होकर पानी निकल रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ क्योंकि इस वक्त ये मेंदोला जो रिवर है ना काफ़ी गहरी नदी है, और इसके ऊपर मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की भी वीडियो बना के दिखाई थी, उधर का भी मैंने आपको इसका अपडेट दिया हुआ था दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। और फाइनली जो आप बड़े बड़े पीपे देख रहे हैं ना इसे पाइप से पड़े हुए हैं, ये टेस्टिंग पाइप हैं जो कि यहाँ पर जब ब्रिज बना था ना ज़मीन के अंदर जाके मिट्टी कटिंग करते हैं ये, और उसके बाद मिट्टी निकालने के बाद में इससे ज़मीन के अंदर डाला जाता है, इनके अंदर से पानी वानी निकाला जाता है, जहाँ पर नदियाँ होती हैं ना वहाँ पर ज़्यादातर यूज किए जाते हैं दोस्तों ये। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नदी के बिल्कुल पास जो है मेंदोला रिवर, यहाँ पर बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का ब्रिज। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ बाढ़ जैसा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मैं आपको नज़ारा दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है आपको यहाँ से क्लियरली दिखा पा रहा हूँ मैं, और एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ क्योंकि आगे तो हम लोग जाने वाले हैं, थोड़ा डर है कि हमारे इसमें कीचड़ में पैर ना चले जाए अंदर, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसका जो क्लियरली आपको नज़ारा आपको दिखा पा रहा हूँ जो है मेंदोला रिवर, इसके ऊपर इसका वायडक्ट कम्प्लीट है पूरा, यहाँ से लेके पूरा कम्प्लीट है दोस्तों। ये फाइनली पूरा का पूरा ये पूरा ब्रिज पर चलने वाली है ये पूरी की पूरी मेट बुलेट ट्रेन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और ये खाली 21 किलोमीटर समुद्र ज़मीन के अंदर चला जाएगी जो कि थाने से लेके और वीकेसी तक दोस्तों खाली ज़मीन के अंदर चला जाएगी 21 किलोमीटर, बाकी पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर चलने वाली है, ब्रिज के ऊपर चलने वाली है।
दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया था, जितने पाइप देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये पाइप जब ये ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ था तो जमीन के अंदर जब ये डाले जाते तो ये ब्रिज में अंदर डाल के पेड़ वर्क का काम किया जाता था। तो उसके बाद में इसमें पानी निकाल के बाद, पानी निकालने के बाद में ही ना, जैसे आपको मालूम है कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े नदियों के अंदर ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं, तो इन इन पाइपों के जरिए ही बनाए जाते हैं। इन पाइप को ऐसे करके खड़ा करके डाला जाता है, उसके बाद में अंदर से साइड में से मिट्टी निकाली जाती है, इसके अंदर से फिर अंदर सरियों का स्ट्रक्चर कम्प्लीट किया जाता है। और फाइनली अभी मैं बिल्कुल चलता हूँ बिल्कुल नज़दीक से, जो कि और आपको दिखा दूँ जो मिंदोला रेबर का जो अपडेट है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है बुलेट ट्रेन का दोस्तों, हाई स्पीड रेल। क्योंकि हमारे पास कमेंट आते रहते हैं कि आप बुलेट ट्रेन के बारे में दिखाइए, कोई बोलता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बारे में दिखाइए, लेकिन हम खुद कन्फ्यूज हैं आपको, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको एक तरफ से पूरा का पूरा अपडेट दिखाने की दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों जो कम्प्लीट है नज़ारा है इसका दोस्तों। यहाँ पर जब काम स्टार्ट हुआ था ना पिछली बार जब आया था, खाली यहाँ पर पाइलिंग का ही काम चालू था, टेस्टिंग पाइलिंग का काम चल रहा था। जैसे कि मैं आपको कुछ पुराने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वही जगह है फाइनली जिस जगह पर अभी मैं पहुंच चुका हूँ। उस वक्त इसमें पानी इतना कम था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरा सूखा सूखा था और यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा पानी पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों चारों तरफ। यहाँ पर नदी का जो पैरा पैर है आप देख सकते हैं ये है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो ज़मीन के अंदर गया हुआ है फिलहाल पूरा 55 मीटर ज़मीन के अंदर तक इसको डाला गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो है पानी देख रहे हैं ना पूरा, यहाँ से पूरा रिवर स्टार्ट हो, रिवर हालांकि रिवर यहाँ से स्टार्ट नहीं होती दोस्तों, मैं आपको बता दूँ रिवर वहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आपको मीनार दिखा दूँ, रिवर की दीवार बाउंड्री दिखा दूँ, वहाँ से रिवर स्टार्ट होती है। यहाँ पर खाली पानी भरा हुआ है, यहाँ पर गड्ढा इसलिए गहरा हो गया था क्योंकि जब ये गड्ढे खोदे थे ना इसके, इसकी वजह से यहाँ पर पानी के गड्ढे बन गए और रिवर वहाँ से स्टार्ट होती है। फाइनली आपको दिखा दूँ, इतनी गहराई है ना यहाँ पर कि आदमी का क्या तो पता चलना मुश्किल है, वहाँ पर लगभग काफ़ी ज़्यादा गहराई है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ये दोस्तों जो मैं आपको बता दूँ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक उसके आगे 7, जो 7 पेयर हैं इसके अंदर जो पानी के अंदर बनाए गए हैं, ये लगभग 280 मीटर लंबा ब्रिज है, 400 मीटर के डिस्टेंस में एक पेयर यानी एक सेगमेंट ये रखा गया है। तो इस हिसाब से 280 मीटर लंबा ब्रिज है कंप्लीट। और फाइनली इसका लुक आप देख सकते हैं कंप्लीट है पूरा का पूरा बन के, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है जो इसका कास्टिंग यार्ड है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक पेयर्स की ज़मीन के अंदर की बात करूँ ना, 50 से 55 मीटर तक ये ज़मीन के अंदर जाके इसकी मजबूती ली जाती। और मैं आपको बता दूं, जब ये पिलर बनाए जाते हैं ना ज़मीन के अंदर से, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, जब तक ज़मीन के अंदर पूरे पहुँच नहीं आते तब तक इनको मजबूती नहीं मिलती है। फाइनली आप इसका जो लेटेस्ट अभी देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट है। और आपको मैं बता दूँ दोस्तों, इसको बनने में लगभग ब्रिज बनने में 7 से 8 महीने का समय लगा था। जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त खाली पेड़ वर्क का काम चालू था। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत। ये है रियल लाइफ मेरा दोस्तों, देखना कुत्ते का काम करता हूँ मैं।